I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इधर कल का ब्लॉग कंटिन्यू ही है। तो फिर कल शाम को मैं यहाँ पे चाय बना रही थी और दूसरी तरफ मैं यहाँ पे वो चूड़ा या चिवड़ा, आपके यहाँ जो भी बोलते, उसको मैं बना के, वही पापा को बहुत अच्छा लगता था तो फिर वही बना रही थी मैं यहाँ पे। और आज के ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा कि मेरे ब्लड टेस्ट में क्या रिज़ल्ट आए और कैसे रिकवरी होगा। तो प्लीज़ आप कोई सजेशन देना देखने के बाद। और इधर मैं आपको दिख रही हूँगी मैं बहुत सीरियस से काम कर रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत टेंशन में थी कि रिपोर्ट्स में क्या आने वाले हैं, तो इसीलिए। बट देखिए क्या आया था मेरे रिपोर्ट्स में। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरा मंडे का ब्लॉग नहीं आ पाया था, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि उस दिन मैंने एक्चुअली अपलोड किया था बट एक टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, मतलब कि वो दूसरा वीडियो चला गया था, तो फिर मुझे जल्दी से डिलीट करना पड़ा। जैसे मैंने देखा कि ओ गॉड, दूसरा वीडियो चला गया। एक्चुअली दूसरा नहीं, वही वीडियो का एक पार्ट ही था, बस पूरा वीडियो नहीं था, तो फिर इसलिए मुझे डिलीट करना पड़ा जल्दी से। एंड फिर यहाँ पे नेटवर्क इश्यूज़ बहुत रहते हैं, तो फिर इसलिए मेरा वीडियो अपलोड होने में कम से कम 2 या 3 घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं किया था मैंने मंडे को। तो इसलिए मैंने डायरेक्टली जाके मैंने कल अपलोड किया मंडे का ब्लॉग, और कल का ब्लॉग मैं आज अपलोड करूँगी। तो देखना मेरा आज का वीडियो। और आज सुबह सुबह उठ के मेरा योगा वगैरह हो गया है, गर्म पानी भी हो गया है मेरा, और ऊपर से अभी थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग करना है, फिर उसके बाद करने के बाद फिर मैं दोपहर या शाम तक फिर अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो और एंजॉय करते रहिए। On the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans. That's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. And there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. तो अभी मेरे को काम करना था, घर का काम, तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे सेंटेड एसेंशियल ऑयल वो उसको यूज़ करके पानी में थोड़ा सा मिक्स करके फिर उसको मैं वो करी थी, ताकि थोड़ा सा मतलब कि मूड बना भी रहे। और वैसे मुझे हेडेक हो रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा वो स्मूथ सा स्मेल जब जाता है ना, तो फिर फ्रेशनेस होने लगता है, तो फिर अच्छा भी लगता है। तो इसलिए मैं ये सब कर रही थी ताकि मूड थोड़ा सा बना रहे और काम भी अच्छे से हो जाए। और इधर लगा रही थी छोटे कुशन कवर्स। कल का ब्लॉग आपने देखा होगा तो फिर बड़े के लग गए थे, आज छोटे के लगा रही हूँ। एक्चुअली आज पूरा सोफ़ा कवर्स वगैरह लगाया बट मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ क्योंकि मुझको आपको पूरा टूर दिखाना है जो भी है लिविंग रूम का, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ। जब दिखाऊँगी तो उसमें सब कुछ आपको दिखेगा कि मैंने कैसे वो सोफ़ा कवर्स वगैरह लगाया, कैसे दिख रहा है, तो उसमें सब कुछ आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और एक बात आप लोगों से शेयर करनी थी, कल का जो मेरा ब्लड टेस्ट हुआ था ना, तो फिर उसमें पता चला कि मेरा विटामिन डी डेफिशिएंसी एकदम ही कम हो गया है। एक्चुअली जहाँ 20 रहना चाहिए वहाँ पे मेरा 9 हो गया था, एक्सट्रीमली डाउन हो गया था। तो उसके वजह से मेरे को भी मतलब लो फील कर रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद बॉडी पेन्स, बोन मतलब कि जैसे एंकल्स हो गए, सॉरी ये तो रिस्ट होता है, एंकल्स रिस्ट, ये सारे ना मुझे पेन करने लगे थे, ये सारे बोन्स वगैरह हाथ के एंड ऑल। फिर ये शोल्डर सारे मतलब बहुत पेन कर रहे थे एंड अभी भी कर रहे हैं एक्चुअली। तो फिर पता चला कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी। ऑब्वियसली मैं बाहर नहीं निकल रही हूँ इतना ज़्यादा, घर पे ही रह रही हूँ, तो ये बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है कोविड की वजह से एंड और जा नहीं पा रहे हैं कहीं पे घर पे रह के। तो फिर उसके लिए अगर आपके पास कोई सल्यूशन है विटामिन डी कैसे इंक्रीज़ करना है तो प्लीज़ कमेंट नीचे कीजिए और बताइए कि क्या क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए एंड ऑल। तो फिर जितना तक मेरे को पता है कि विटामिन डी ज़्यादा तो धूप से ही आती है, तो फिर आप बाहर नहीं जा सकते हो तो इतना, तो फिर क्या करें, तो फिर जो खाने पीने से ही उससे ही हो सकता है। और विटामिन डी मिलना बहुत ज़रूरी है हमारे बोन्स के लिए। तो फिर प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और मैं ऑब्वियसली मैं उसको फॉलो करूँगी। But you cut through like a knife, and if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face, lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि धीरे धीरे करके मैं आपको सारा टूर करवाऊंगी, अपना हाउस टूर, किचन टूर, बालकनी टूर, बेडरूम टूर सब करवाऊंगी। धीरे थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को, मैं पक्का आपको करवाऊंगी। और ऊपर से जो भी अमेज़ॉन हॉल वगैरह ये सब भी आपको दिखाऊंगी, चिंता मत कीजिए। थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा मेरे बॉडी को थोड़ा सा रिकवर होने दीजिए, मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। और ऊपर से मेरे को भी इतना मतलब बॉडी फ्री नहीं लग रहा है तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ इतना, मतलब ज़्यादा मतलब कि काम करने में मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है। तो जितना हो पा रहा है मैं कर पा रही हूँ, और थोड़ा सा टाइम दो, मैं पक्का ज़रूर बाय नेक्स्ट वीक से तो मैं आपको अपलोड देती रहूँगी जितना भी। इस वीक में ट्राई करती हूँ एक तो एटलीस्ट टूर दिखाने के लिए, तो अगर हो पाता है मुझसे तो ज़रूर दिखाती हूँ, अगर नहीं हो पाता तो नेक्स्ट वीक पक्का श्योर एकदम से मैं आपको दिखाती हूँ। तो तब तक के लिए you say the less I know, wherever you stray I follow, I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home, anywhere else is hollow, I'm begging for you to take my hand, wreck my। और और अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आप नए हैं तो फिर आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे टाइम पे। और घर पे रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और पॉजिटिविटी रखिए। कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।